जब आप कॉलेज में पढ़ती थी तो लड़के आपको हिम्मत करते थे शेर सुनाने की? डरते होंगे ये तो कमियां ना निकाल दे कि तुम्हारा नुक्ता ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग एक तो कोएजुकेशन में नहीं पढ़े हैं। अच्छा जी। और दूसरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ तो वहाँ का माहौल भी ऐसा नहीं है। अच्छा जी। लेकिन अगर वो नहीं कह पाते थे तो मैं कह देती थी। अच्छा जी। तो मैंने शायरी में एक मेरा मतला है बड़ा खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगता है कि कर तुलूं एतराफ़े मोहब्बत तुम फसाना बना तो न दोगे, कर तुलूं एतराफ़े मोहब्बत तुम फसाना बना तो न दोगे, मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। ये टीनेजर की बड़ी समस्या है ये। इसी से जुड़ा हुआ एक और शेर है, आप सुने कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। और जब आप अच्छी तरह से खा लेती हैं छोले भटूरे उसके बाद खीर क्यों मांगते हो, ये इनके लिए था। वाह, ये जो काफिया मिलाया है तुमने खीर का, भाई कमाल हो गया ये तो। लेकिन ये जो खत की बात कर रही थी, हमारे जमाने में तो खत कोई दिखा भी दे तो क्या दिखाए, मतलब वो जो खतों की शायरी बड़ी कमाल की होती थी हमारी जी। एक तो फिक्स शेर था उस जमाने का, सीसी भरी गुलाब की, शीशी होता ही नहीं, शीशी सवाल ही नहीं, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, पत्थर पत्थर नहीं पत्थर, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तुझ जैसी मिल जाए घर वालों को छोड़। खत का जिक्र आया तो मुझे भी चार पंक्ति याद आ गई जी, कि नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं, नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं, किस बात का गिला था मुझे कुछ पता नहीं, इतना तो याद है तेरे डैडी मिले थे कल, डंडा कहाँ पड़ा था मुझे कुछ पता नहीं। ये मैंने देखा है चार बार पॉपुलर साहब की शायरी में डंडों का जिक्र आ गया, जिक्र है। तो कितनी उम्र तक खाए पॉपुलर साहब आप? तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर? तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी नहीं ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। ये जो है और देखिए कैसा हैरतनाक तकनीकी जमाना आ गया, यूं लगा जैसे के खतरे में समंदर भर दिया। अब मेरी सासू माँ भी है कैसी गजब की साइंटिस्ट, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। क्या बात है, और मैं हूँ जिस हाल में ए मेरे सनम रहने दे। अच्छा क्या, मैं हूँ जिस हाल में ए मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे से मर जाऊंगा बम रहने दे। क्या बात है, वाह अच्छे पॉपुलर साहब, बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत अच्छा। कपिल, जो देखने वाली चीज़ ये है कि तमाम कवि शायर जो कि मैं 10 साल की उम्र से ये कर रहा हूँ, इन्हें देखता हूँ, हम लोग जहाँ से निकल गए, तुम अमृतसर में अपने एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल गए, बचपन कैसे भी था तुम भी गए होंगे, हम लोगों ने ऐसी ज़िंदगी निकाली है, तब उसमें से निकाल के लेके आता हूँ कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, हैंडपम्प पे पानी भरने जाते जी जी, कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहाँ माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, अरे तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। ये हमारी जिंदगी का सच है। आज कसम से आप लोग बैठे हैं, मेरा कुछ सवाल वाल वाला मेरा वो मूड ही नहीं, मैं तो दिल करता कि आपको मैं सुनता जाऊंगा। नहीं, सवाल करो, चार कागज और निकाल लेंगे। बिना कागज निकाले चार पंक्तियाँ। जी हाय, उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, हाय
उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी, दो मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर लाके तब आराम से सोए हम भी। ओहो पॉपुलर साहब, सच सच बताना, ये वाले जो शेर आप कह रहे हैं कि उसको गले लग के हाँ सोए हम भी, ये शेर आप पत्नी के सामने कहे हैं कभी आपने? नहीं, वो दूसरों की पत्नी के सामने बताया। लेकिन हम शायरी में बात तो अपनी पत्नी की तरफ से करते हैं, अगर कहीं इधर उधर कर दिया तो फिर आपको पता ही क्या होगा, तो उससे बचते हैं। शैलेश भाई, जब आप मंच पे कविता पढ़ रहे होते हैं, बहुत बार मैंने देखा कवि लोग बोलते हैं ना कि मंच का ध्यान चाहूंगा, ऑडियंस तो सुनी रही है, आपको कैसे पता चल रहा है इन सब का ध्यान कहीं और है? क्योंकि पता क्या, पता ही होता है, ध्यान और ही होता है कहीं का। एक ही लाइन एक एक हजार बार सुनी हुई, उस पे वाह वाह करना होता है। क्या कह दिया, क्या कह दिया वो? अच्छा, कोई उस लाइन पे दाद न दे तो घूम के कहता है ध्यान चाहूंगा, तो एकदम तुरंत उसे वाह वाह करना। मंच पे ऐसा हो जाता है कई बार। अच्छा, उसमें क्या, आदमी जब बढ़ा चढ़ा के बातें करता है तो पब्लिक भी कई बार शांत कर देती है। अच्छा, मैं संचालन करता हूं तो एक बार कोई और संचालन कर रहे थे, तो होता है पब्लिक पे, दिल्ली के आसपास का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा भाई तारीफ करते ना ये है और सब, ये बड़े ये वो, तो ये वो कवि आए हैं जिन्हें कौन नहीं जानता, एक खड़ा हो गया था, मैं नहीं जानता। मुझे बताओ कौन है। अरे अर्चना जी, अर्चना जी, मैंने एक शेर लिखा है, जरा बताइए कैसा है। इरशाद, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल। अच्छा, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, मैं जरा सा पेंगुइन जैसा क्या दिखने लगा, तुम गई मुझे भूल। मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है, ठीक है शेर? बहुत बढ़िया। शर्मा तुम बता, यार मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? इनसे पूछ, यार क्या बात है, क्या बात है शर्मा, तुमने बताया नहीं यार, इतने बड़े बड़े शायर तशरीफ लाए आज हमारे यहाँ। शायर बड़े वही हैं, लेकिन तशरीफ आप ही बड़ी लेकर आए। आइए यार, थोड़ा सा तशरीफ तो रखने दीजिए। लव यू ब्रो, लव यू, लव यू। आहा, वैसे आप सभी शायरों का हम अपनी इस छोटी सी कुटिया में इस्तकबाल करते हैं। वाह, क्या बात है, देख लो, यहाँ तक बाल नहीं आए लेकिन इस्तकबाल पूरा करते हैं। यार मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ। ओके। तो मुमताज जी, एक शेर आपके लिए पेश है, खिदमत है, कि भाई हुस्ने अंबरी, ओहो हुस्ने अंबरी तबस्सुमे आफरी, हुस्ने अंबरी तबस्सुमे आफरी, खुशामदी खुशामदी खुशामदी, कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो आप भाई साहब? जिससे कहना था हमने कह दिया, वो समझ लेंगे। आप जरा यहाँ से अलविदाए फुरफुर हो जाइए। मतलब आपसे जो कहना था कह दिया, अब आप समझ लेंगे। ये क्या है? ये अपने आप से कुछ कहना था कह दिया, भी हम समझ लेंगे। सर भाई मानना पड़ेगा, लेकिन मुमताज जी बहुत खूबसूरत हैं आप। आपको शर्म नहीं आती, वो शादीशुदा हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं। मैं कौन सा कुवारा मर रहा हूँ यार, मैं भी शादीशुदा हूँ। पॉपुलर मेरठी जी, मैं अपना भी तारुफ करा दूं, माय सेल्फ वकील दामोदर स्विट्जरलैंडिया। समझ में आ गया। वो तो मेरठ से है तो इसलिए पॉपुलर मेरठी है। आप स्विट्जरलैंड गए कभी? नहीं गया तो मैं अपने माँ बाप पे भी नहीं हूँ, स्विट्जरलैंड तो बहुत दूर की बात है। वैसे एक शेर पेशे खिदमत है जी, जी, मुमताज जी के लिए। हाँ, हाँ, पर आप सारे शेर मुमताज जी के लिए, बाकी लोग क्या केले बेचने हैं? क्या कहूँ अब मैं, क्या कहूँ, इंस्पिरेशन है उनकी। इंस्पिरेशन होगी तो ही तो शेर निकलेगा। और आपके तो कॉन्स्टिपेशन भी है। अर्ज किया है इरशाद, इरशाद के आपके बगैर, आपके बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसे ध्यान से देखो, कहीं से भी इंसान का बच्चा नहीं लगता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.